जीवन निर्माण बहुत सरल काम है, बिगाड़ना कठिन है। देखो बिगड़ता इसलिए है कि हम पराश्रय लेते हैं। यदि स्वाश्रय लिया जाए तो आप कुछ नहीं करना, जैसे नेचर पे छोड़ दो बॉडी को, कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, छोटे बच्चे को आप छोड़ दो, छोटे बच्चे उसे आप कुछ मत बताओ, तो अभी वह ककड़ी खाएगा ना तो नमक से नहीं खाएगा, ये उसको नेचुरोपैथी ज्ञान है। कोई चीज आप उसे दूध फीका पिला दो, रोएगा तो बता देना, कंप्लेंट करे तो बता देना, वो पी लेगा। ऐसे एक नहीं हजारों, प्रकृति में बच्चा नेचुरल जन्म लेते हैं ना, नेचुरल ही होता है, उसका 100% सही होता है, बिल्कुल गलती नहीं। आपने देखा कभी बच्चे को उसके ऊपर रजाई डाली जाती है, चादर डाला जाता है, वो पाँव से मार मोर, एक मिनट नहीं लगता, एक मिनट में पाँव से हटा देता। छोटे बच्चे के बांध जाते हैं कान में, या उसका बस नहीं चलता, नहीं गांठ बांध देते, ऐसे ऐसे करते हैं। अब देख लेना, मैंने बच्चा नेचर में रहना चाहता है, बच्चे को पानी बहुत अच्छा लगता है, छम छम चपर चपर पैर चलाना, तुम्हें कितना अच्छा लगता है पानी नदी देखते से, तालाब देखते से, झरने देखते से, तुम्हारा मन कैसा होता है? इतना सा बच्चे को भी ऐसे लगता है, लेकिन हम बच्चे को पानी से दूर रखते हैं घरों में। उल्टे मुझे बताना है, एक उल्टे संस्कार डाल दिए ना, बस वो हमारी कठिनाई। एक भी बच्चा जन्म जात झूठ नहीं बोलता, लेकिन बिल्कुल ट्रेंड किया जाता है झूठ बोलने में, है सबके सामने ऐसे नहीं बोलते, क्यों सही बात है तो क्यों नहीं बोल सकते सबके सामने? जैसे छोटा सा बच्चा आया 3 साल, अब मेहमान सब बैठे हुए हैं, लड़की देखने वाले आए, तो बच्चा मैम मैं इस भाई हट, सबके सामने नहीं बोलते, अरे क्यों नहीं बोल सकते? कौन सी एबनॉर्मल क्रिया थी उसको सूसू आई थी? मैं उसी समय मम्मी चाहे अच्छा राजा बीते वेरी गुड, उधर ही चले जाइए, सबको अच्छा लगे क्या बोला था? समझ गए जीवन निर्माण में कठिनाई क्या है? हमारे घर के द्वारा दिए गए एबनॉर्मल संस्कार, हर चीज के मामले में, हर चीज कह रहा हूं, हर चीज, चाहे वो खाना हो पीना हो, हर चीज, सोना हो उठना हो बैठना हो। अब आप खुद ही नोट करो, यदि चाहो तो रिसर्च कर लेना खुद कि आपको ऐसे कौन कौन संस्कार दिए गए। बच्चे नेचुरली नहा लेते हैं, कपड़े उतार के हेल्प चड्डी उतार ली तूने, अब वो ले जाएगा, अब वो जब बेचारे को डरा दे, बिल्कुल नेचुरल ऑर्डर में नहा रहा है, उसके दिमाग में खुरापात नहीं, बिल्कुल कोई खुराबात नहीं, लेकिन वो एक संस्कार डाल दिया गया। इतनी बातें बता कर ये कहना है कि आपको यदि जीवन निर्माण करना है तो आपको अब जो खुरापात डाली गई वो निकालनी है, बस जो एबनॉर्मेलिटी वो निकालनी है। जब हम सत्य बोल नहीं सकते ना तो हम सत्य सुन भी नहीं सकते, जब हम सत्य कह नहीं सकते तो देख भी नहीं पाओगे आप। अब जो कूट कूट के भरी है, हर मामले में भरी पड़ी है, जैसे कल हमने कहा था ना, मेरी मम्मी ने जैसे बताया चाची के बारे में, तो आज तक अमिट है वो, अब वो मिटना मुश्किल है। भले वो मिल जाएंगे, हम अच्छे से बात कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो दिमाग में घुसी हुई है। ऐसे एक नहीं अनेकों संस्कार आपको डाल दिए, कपड़े पहनने में, उठने के, बैठने के। नेचुरली क्या हम सुंदर नहीं होते? ले हमने जो बार बार विज्ञापन देखते हैं ना, यहाँ से बाल चाहिए। अब हमारे जमाने में छोटे बाल यहाँ करना होने बहुत, हमारे जमाने में अमिताभ बच्चन के जमाने था तो यहाँ तक बाल देते थे, ऐसे एक यहाँ से बाल कान में ढक लेते थे, और बहुत बहुत चलता था वो स्टाइल।
हुक्का तो बहुत चलती है। इसको तो लोग कहते वो जी यार कैसे बाल बनवाया है तू, मैंने हमारे स्कूलों में कोई ऐसा बनवाता था ना यार कैसे बाल बनवाया, बुरा लग रहा है तू, खपती लग रहा है। और फिल्मी हीरो ने बनवा लिए यहाँ से हम ही नहीं कह रहे, हमारा मतलब कि आप बाहर से सीखोगे वो गलत सीखोगे। अब तुम्हारे जैसे कहाँ बाल खराब लग रहे, अच्छे तो लग रहे है बढ़िया सेट कम बढ़ा दी, लेकिन लगता है वो तेल से ही सही हो, फिर किसी के शैम्पू से सही हो, किसी ने कोई जेल लगाओ जेल, फिर भले ही बाल सफ़ेद हो जाए, शैम्पू लगाओ चाहे भले ही बाल सफ़ेद हो जाए शैम्पू लगाओ। मैंने एक चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, जैसे टूथब्रश है टोटली गलत है, टूथब्रश टोटली गलत है टोटली, चाहे साइंस में जाकर प्रूव कर जाए टोटली गलत है, दांतों के लिए टोटली हार्मफुल है। एक झूठ को 100 बार देखा जाता है तो सत्य लगने लगता है, आगे समझ में आया। तो हर चीज के मामले में ऐसा है, हर चीज आप अपने घर में यदि पिताजी को 8 बजे सो के उठते देखोगे तो आपको लगे इट इज करेक्ट, वही करेक्ट लगे। अब आपको लगे वाह मैं भी मर्द हूँ। मम्मी को सुबह जल्दी उठते हुए देखा तो आप पत्नी से ही कहो मम्मी भी तो उठती है तू जल्दी उठा कर, बहन से कहेंगे तू जल्दी उठा कर, मम्मी जल्दी उठती है। देखिए मुझे सही उठ क्यों, मैंने तो पापा को देखा है मैं सोते रहते मम्मी से करे। ऐसे पूरे देश में हिंसा प्राप्त है, पूरे विश्व में ही है, पुरुष स्त्री को मारेगा पीटेगा डांटेगा चिल्लाएगा चाहे जैसा व्यवहार करेगा। अब ये बिल्कुल फ्लो की तरह चला जा रहा है, नदी की तरह, नदी की प्रवाह की तरह बहते चला जा रहा है। तुम भी अभी जब जाओ ना चुप करते, जैसे हर आदमी की मर्दानगी का टेस्टर पत्नी है बस। गांधी जी को भी यही सिखाया गया था, उनके दोस्तों ने कहा है पैरों की जूती समझ के रखो, औरत को कभी सर पर नहीं रखाना, ठोकते रहना। उनने भी ठुकाई कर दी बेचारी, क्या कर रहती पिटती क्या कर दी, गुस्सा आ गई रात को 12 बजे तो दक्षिण अफ्रीका में थे निकल जाओ मेरे घर में से, आधी रात को धक्के निकाल धक्के दे के निकाल दिए गेट पर, चली जाओ जहाँ जाना है तुम्हें, आज के बाद मेरा कोई संबंध नहीं। यार कल्पना कर तुम्हारे साथ ऐसे गुजरे तो क्या हो, इसलिए मैं एनालिसिस में सिखाता हूँ आपके साथ ये व्यवहार हो तो कैसा लगे, हमेशा सोचो हमेशा। जो एनालिसिस नहीं करेंगे उन्हें ही वो कार्य होंगे, क्या बोल दिया हमने, हमने अखबारों से सीखा बलात्कार जी वो, हमने खूब फैलाया उसको, पढ़ा नहीं केवल अखबार, महिलाओं को कैसा लगता हो, पुरुषों को कैसा लगता हो, बच्चों को कैसा लगता हो, इसके बाद बदनामी होती तब कैसा लगता हो, जेल जाएंगे तो कैसा लगता हो, साल 10 लोग हंसी उड़ाएंगे तो कैसा लगता हो, हर तरह से उसका वैल्यू तो हमारे अब अंदर से पूरी बात ही खत्म हो गई। हमें पक्का विश्वास है स्वप्न में कुछ नहीं होगा, स्वप्न में नहीं होगा बाद में तो क्या बात है। कभी हमारा इच्छा नहीं हुई कि आंखों से एक स्त्री को ऐसे देखते हुए हुआ ही नहीं, जो कह रहे क्या हमें पता ही नहीं, जिस रास्ते हमें जाना नहीं उधर हम देखे भी क्यों, आज देख रहे फिर कल बात फिर हंसना फिर हाथ लगाना फिर एक दिन जेल आसारा जाने का भी। इसलिए सील की नौवाड़ में चुस्त, तुम कहते हैं सील की नौवाड़ चुस्त कर, इसलिए नहीं कि हमें कोई विकार है, हमें जिस रास्ते जाने हो तो हम क्यों करें, जब हमें मांस खाना नहीं तो मांस की दुकान पर टंगा हुआ वो मुर्गा और क्या क्या है बकरा क्यों देखें, हम देख रहे जब हम आलू खरीदते नहीं तो हमें आलू का रेट भी नहीं मालूम, कभी तुमने पूछा आलू का क्या भाव है जब आलू नहीं खाते हो, बस समझ गए ये है छोटे विकारों को जीतने का उपाय। इसमें भी हमें संस्कार घुसा दिए जबरदस्ती, चुप देखना नहीं दिखाना नहीं, ए उल्टे मत लेटो, छोटे छोटे बच्चे उल्टे लेट रहे थे लेकिन जरा थोड़े बड़े सीधे लेटा कर, जबरन डाउट कर रहे वो बता नहीं रहे क्यों सीधे लेटना सीखे,
यूटी रिलैक्स है आराम से लेटा, अब वो नेचुरल रहेगा। अब मान चलो घर वाले नहीं कहेंगे, दोस्त कहेंगे ए तू उल्टा लेटे लेटे क्या कर रहा है, अब ये अब नॉर्मेलिटी को सारी। अब जैसे मान लीजिए मोबाइल है, 90% लोगों को लगता है मोबाइल देख रहा है या बैठे बैठे रेल में इधर उधर मैंने कुछ गलत देख रहा है। अब हमारे लिए आफत है, हम भी मोबाइल लेके बैठे हो ना, कुछ लोग जैसे पंडित जी मोबाइल देख रहे यदि रात को 12 बजे हम भी फोन चला के कुछ देख रहे होंगे ना, पंडित जी ने कहा देख रहे रात को 12 बजे बाबा का घोड़ा था ना, बाबा भारती का घोड़ा खड़क सिंह समझ गए, ऐसी बदनामी एबनॉर्मेलिटी सीख रखी हमने। ऐसी एक नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा दूसरी तीसरी पढ़ रहा है पहली दूसरी पढ़ रहा है, तो पापा उसको नहलाते तो उसके तो कपड़े उतार देते और उसी साथ खुद ना दे मस्ती मस्ती करते गए। पापा आप क्यों नहीं उतारते, अंडर भी आप हमारी से उतार देते। अब पापा क्या जवाब दें समझ में नहीं आ रहा, डांट दिया चुप, अब जी गलत तरीका। अब हमसे पूछा उन्होंने आकर, क्या बच्चे ऐसा पूछा, हमने भी 3 दिन सोचा क्या जवाब देना चाहिए, ना पतला होना चाहिए जवाब, 3 दिन सोचा, उसे लिख दिया इसे लैपटॉप में, चाइल्ड संबंधी जो है ना बाल जिज्ञासा, बाल जिज्ञासा हम लिख दिए बच्चे को, आप अवेयर करिए बेटे हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुनि बनने पर उतारे जाते। नंबर वन, नंबर टू, जब हम बीमार हो जाएंगे समाधि कराओगे तब तुम्हें पेशाब करानी पड़ेगी, तब तुम्हें और उसे पहली बार में नॉर्मेलिटी से बता दी, अच्छे उत्तर दे दिए जाए मिलकर, बेटे हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम बच्चे हो, सबके पापा कपड़े नहीं उतारते और तुम बोल दोगे भी हमारे पापा तो कपड़े उतार ही ना आते, उन्होंने अपने पापा को देखा नहीं, अब हम तुम्हारे स्कूल में लेने जाएंगे तुम्हें तो फिर सब ताली बजा जाके जाके पापा नंगे नहाते तो तुम्हें कैसा लगेगा बोलो, मैं उसको सही जवाब दे दो। अब उसे ये भी पता लगे कपड़े उतारने कोई नॉर्मल थी कोई बड़ी बात नहीं। अब जी है एनालिसिस, आप समझ गए, आपको चाहे टेलीविजन ने घुसाया हो दिमाग, चाहे दोस्तों ने, चाहे तुम्हारे मोबाइल ने, जब हम फितूर की बात है बिल्कुल फितूर की बात। अब मुझे अंतिम लाइन ये कहनी है तुम लोगों से कि आज हमने वर्ल्ड के सारे विकारों को जीतने का उपाय 13 मिनट में बता दिया, आपको केवल वापस उसी नॉर्मल टेम्परेचर पे आना पड़ेगा, जैसे दिगंबर मुहियाज बनना है तो आपको उसी टेम्परेचर पे आना पड़ेगा, कोई देख ना ले अरे क्या देखेगा, तो आप सोचो क्या देखेगा, और देखेगा तो उसको कर्म बंद करता तो करेगा, उल्टा से भी ना तो सोचेगा। महिलाएं क्या सोचेंगी, अब जितना तुम नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने आप को लाना पड़ेगा, मतलब जो मेहनत है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना आपको है। बच्चे क्या सोचेंगे, बच्ची क्या सोचेंगे, वो जो सोचेंगे सोचेंगे, तुम क्या सोच रहे इसका फर्क है। मैं कह रहा हूं बंदर यहां घूमते रहते हो, मैं अकेला रहता हूं, मैंने सोचा लाठी उठा ली, क्यों उठा ली, ये भी अपना परिणाम खराब है, इससे कर्म बंद हो रहा है तो संक्रमण होगा तो आएगा नहीं, मैं इनके प्रति कुछ नहीं करूंगा, सहज भाव से घूमते रहे, उनकी ओर देखा ही नहीं, पढ़ते रहे करते रहे उसको, हाँ उन्हें देखने लगा तो भी आंखें दिखाई मत देखो, जंगल में से भी अपनाते सीधे नीचे देखो, चले आओ ऊपर भी रस्ते में एक जगह मिलते हैं झुंड, अरे सीधे चले आओ मत बोलो कुछ, मैंने आपको ही अपने मेंटल लेवल पर नॉर्मल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी, मेरे को भी तकलीफ थी, मैं तो अकेले में अंडरवियर पहन के सो भी नहीं सकता था तुम्हारी उम्र में, लुंगी पहन के अंडरवियर पहन के सब सो पहन के सोते, मैं अंडरवियर में रह नहीं सकता था,
रहने की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर, उठना बैठना चलना नग्न देखना खाना, वो सब हमको भी बुरा लगता था, हमें भी लगता था अपन कहीं गलत तो नहीं इस तरह से उठ। अब जाके इतने नॉर्मल टेम्परेचर में क्या हमको सुन, क्यों कि हमारा राह ही वो है। अब तुमने भी देखा होगा, पहले दिन तो मुझे एक सेकंड कुछ लगता क्यों इस तरह नहीं देखा, अब देख लिया अब कुछ नहीं लगता, क्या होता कुछ नहीं। इसका मतलब शरीर में कुछ भी नहीं है, न स्त्री के शरीर में न पुरुष के शरीर, कुछ भी नहीं है। पर ये बात तुम कुंवारे लोग इतनी जल्दी नहीं पहचान पाओगे, चाहो तो पहचान सकते हो, सवाल बता दिए हमने, तरीका बता दिया। लेकिन शादी शुदा लोग अपने मम्मी पापा को देखो, जितने लोग उनको देखो, वे कितने नॉर्मली लेते हैं अपने पत्नी को। जो भी आपने टेम्परामेंट देखा ना, लव अफेयर में देखा, केवल फिल्मों में देखा है, इधर उधर देखा है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर रहने वाले स्त्री पुरुष को कभी कुछ होता ही नहीं है। जैसे अपनी बॉडी अपने लिए नॉर्मल होती है, ऐसे उनके लिए नॉर्मल होती है, मतलब कुछ होता ही नहीं, ये कह रहे हैं। तो ये कहकर मुझे ये कहना है कि आपको समझ गए होगा क्या करना है, या आपको जो गलत संस्कार डाल दिए गए हैं उसी को नॉर्मल करना ही पुरुषार्थ है। हम फिर कह रहे भगवान बनना सरल है, जैसे अभी विजय करना सरल बता दी ना, मनोविजय, मनोविजय सर, ऐसे भगवान बनना सरल है। तुमने जितने उल्टे संस्कार डाले वो हटा दो, भाग मोक्ष हो जाए, उल्टे संस्कार हटा दो बस खत्म, हटा दो चाहे पढ़ के हटा दो चाहे, हटा दो मतलब भेद विज्ञान एनालिसिस, मोक्ष ना हो जाए तो लेकिन कुछ नहीं करो, नॉर्मल टेम्परेचर छोड़। अब चाहो तो आपको जो जो इस पे विचार आए दिन भर में लिखो, क्वेश्चन खड़े हो लिखो, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने में बहुत पसीना आएगा, मुझे भी पता है, मुझे भी 30 साल लग गए, नहीं लगे ऐसा नहीं है। मैंने ये समझिए कि ये स्थिति 35-40 के बाद नॉर्मल टेम्परेचर पर आना शुरू हुआ, आना शुरू हुआ जी कह रहा हूँ, और उसके बाद अब जाकर कितने नॉर्मल है। समझ गए, अब धैर्य भी चाहिए इसमें, और आपकी लड़ाई आपकी चाहिए, और आप अपने आप से ही जीतो, हम आपको आपके अंगेश खड़े करेंगे, मैं नहीं मदद कर पाऊंगा आप, भगवान भी आपको मदद नहीं कर, आपको आपके ही अंगेश लड़ना है, युद्ध करना है, हाँ आपको अपने आप से जम के युद्ध करना है। हम तो आपको केवल शुभकामनाएं दे सकते हैं कि आप बागियर बनो, है ना, विचार करना।